गोड्डा में नवचयनित होमगार्ड के अभ्यर्थियों ने भर्ती अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। नवचयनित होमगार्ड जिलाध्यक्ष ने कहा कि 2009 वालों को दरकिनार करके 2018 वालों को लिया जा रहा है। उन्होंने बोला कि सभी अपने रिश्तेदार और बच्चों की भर्ती कर रहे हैं। हम सभी का सिलेक्शन 2009 में हुआ था और अब 2022 हो गया, फिर भी हम सब बैठे हुए हैं और अब तक हम में से किसी का भी चयन नहीं हुआ है। विज्ञापन का जो 18 का जो विज्ञापन को बहाली हो रहा है, इसमें बहुत तरह धांधली हो रहा है। 9 वाले को दरकिनार करके 18 को लिया जा रहा है, उसमें भी इसमें बहुत ज़्यादा खामियां धांधली हो रहा है, मनमानी कर रहा है। हर प्रशासन अपने बाल बच्चे रिश्तेदार को वैकेंसी करवा रहा है, क्योंकि इसको कराने का कोई आवश्यकता नहीं था। इसलिए आवश्यकता नहीं था कि इसमें सब लड़का सिलेक्शन होकर 2009 वाला बैठा है, वो रिजल्ट के लिए बार बार पदाधिकारी से गुहार लगा रहा है, केस कर रहा है, सबसे गुहार लगा रहा है, लेकिन उसका नहीं देखे 18 वाले का वैकेंसी करवा रहा है। और उसमें बहुत सारा खामियां पाया गया है, जो खामियां हम लोग के पास प्रूफ के तौर पे हम लोग के पास प्रूफ है। सबसे पहली बात है क्या, गोड्डा शहरी में 133 रजिस्टर में रिकॉर्ड कटा है, अब वहाँ दूसरे रजिस्टर भर के 155 बना दिया है। पहला खामिया ये जाँच का विषय होना चाहिए, तत्काल जो किया है उसको बर्खास्त किया जाए, हम लोग इसका भी मांग करते हैं। दूसरी बात क्या है, एक कोई नेहा प्रेस करके है गोड्डा में, नेहा प्रेस जो अपने लड़का का नाम अंकित कर दिया है, जिसका क्रमांक 148 है, शहरी से है, ये भी जांच का विषय है, कैसे ये उसमें कर दिया है। ये जब तक पदाधिकारी प्रशासन सबको मिला हुआ, सब लोग मिला हुआ है। चौथी तीसरी बात यह है कि एक बिहार का महिला है जो बसंतराय प्रखंड से भरी है, वो प्रतिभा कुमारी, शायद राव नंबर कुछ है उसका याद नहीं है, वे प्रतिभा कुमारी है, बसंतराय से भरी है, अब वो बिहार के रहने वाली है, उसको कैसे यह फॉर्म भरवाया गया, जब आदेश है कि कोई अगर फॉर्म भरने के लिए जाता है उसका आधार कार्ड का लेके लेना, ये था ना, आधार कार्ड लेगा उसके बाद उसको फॉर्म भराएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, पूरा पूरा फॉर्जरी करके उसको मतलब फॉर्म उसका फिलअप करवाया गया है। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। विज्ञापन का जो 18 का जो विज्ञापन को बहाली हो रहा है, इसमें बहुत तरह धांधली हो रहा है। 9 वाले को दरकिनार करके 18 को लिया जा रहा है, उसमें भी इसमें बहुत ज़्यादा खामियां धांधली हो रहा है, मनमानी कर रहा है। हर प्रशासन अपने बाल बच्चे रिश्तेदार को वैकेंसी करवा रहा है, क्योंकि इसको कराने का कोई आवश्यकता नहीं था। इसलिए आवश्यकता नहीं था कि इसमें सब लड़का सिलेक्शन होकर 2009 वाला बैठा है, वो रिजल्ट के लिए बार बार पदाधिकारी से गुहार लगा रहा है, केस कर रहा है, सबसे गुहार लगा रहा है, कि उसका नहीं देखे 18 वाले का वैकेंसी करवा रहा है। और उसमें बहुत सारा खामियां पाया गया है, जो खामियां हम लोग के पास प्रूफ के तौर पे हम लोग के पास प्रूफ है। सबसे पहली बात है क्या, गोड्डा शहरी में 133 रजिस्टर में रिकॉर्ड कटा है, अब वहाँ दूसरे रजिस्टर भर के 155 बना दिया है। पहला खामियां ये जाँच का विषय होना चाहिए, तत्काल जो किया है उसको बर्खास्त किया जाए, हम लोग इसका भी मांग करते हैं। दूसरी बात क्या है, एक कोई नेहा प्रेस करके है गोड्डा में, नेहा प्रेस जो अपने लड़का का नाम अंकित कर दिया है, जिसका क्रमांक 148 है, शहरी से है, ये भी जांच का विषय है, कैसे ये उसमें कर दिया है। ये जब तक पदाधिकारी प्रशासन सबको मिला हुआ, सब लोग मिला हुआ है। चौथी तीसरी बात यह है कि एक बिहार का महिला है जो बसंतराय प्रखंड से भरी है, वो प्रतिभा कुमारी, शायद राव नंबर कुछ है उसका याद नहीं है, वे प्रतिभा कुमारी है, बसंतराय से भरी है, अब वो बिहार के रहने वाली है, उसको कैसे यह फॉर्म भरवाया गया, जब आदेश है कि कोई अगर फॉर्म भरने के लिए जाता है उसका आधार कार्ड का लेके लेना, ये था ना, आधार कार्ड लेगा उसके बाद उसको फॉर्म भराएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, पूरा पूरा फॉर्जरी करके उसको मतलब फॉर्म उसका फिलअप करवाया गया है, ये जांच का विषय होना चाहिए। उसका रोल नंबर 45 है, हाँ उसका रोल नंबर कुछ ऐसे कुछ है जो हम देख के हम बता देंगे, और वो कन्फर्म है, वो बिहार के रहने वाली है प्रतिभा कुमारी। मेहरमा प्रखंड में एक रोल नंबर है, 124 रोल नंबर है, जो एक रोल नंबर पे दो लड़का का ए बी करके उसको सिलेक्शन किया है, क्या क्यों करवाया, 534 रोल नंबर है, दो लड़का, क्या जरूरी था
ये सब पैसे का खेल हो रहा है। ये जो बहाली 2018 का निकला है ये पैसे का खेल से सब सीट बिकाया जा रहा है। अभी ऊर्जा नगर में चारों साइड ड्रोन कैमरा फैलना है, वो ड्रोन कैमरा सिर्फ दिखावा है। वो ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी कैमरा के ऊपर भी फोटेज निकाले और देखे।